तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं वापस ऋषिकेश। तो अभी हम लोग ओली से निकल चुके हैं और रास्ते में भी ब्रेकफास्ट के लिए रुके थे, तो सर ने घूमा ओली। कैसा लगा सर आपको ओली वगैरह घूमे तो? ऊपर मजा आ गया, बहुत बढ़िया लगा ना। ऊपर बर्फ थोड़ा सा कम था लेकिन ठीक था, और सबसे ज्यादा लिफ्ट चेयर कार का मजा आया है ना। नहीं, बर्फ का मजा आया ऊपर बर्फ जाके। ऊपर जाके कहाँ तक गए थे आप? 360 व्यू से आगे जाके। 360 व्यू से भी आगे गए थे, चलिए बढ़िया लगा। सो गाइस अभी चलते हैं आगे, ऋषिकेश में इनका स्टे है आज का, और आपको आगे का अपडेट ऋषिकेश पहुंचने के बाद देते हैं। पहुंच चुके हैं टी ब्रेक के लिए देव प्रयाग पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हो ये गाड़ी, और ये हैप्पी रेस्टोरेंट में रुके हैं, चाय वाय पी रहे। उसके बाद अभी चलेंगे यहाँ से, 90 किलोमीटर और रह गया ऋषिकेश, है ना। हम लोग 12 बजे 12:15 बजे यहाँ से निकले थे, और मेरी गाड़ी का ये टूट गया यार। इसको दिल्ली जाऊँगा ना कल परसों में, इसे करवा दो यार। ठीक, टूट चुका है ये, पीछे का लेग गार्ड भी चेंज कराना पड़ेगा। और आज एक हमारे सब्सक्राइबर भाई मिले थे ओली में, है ना दोस्तों। अभी चलेंगे आगे का। तो नींबू पानी तो पिला रहा हूँ आपको, टेंशन ले सर है। गजब बेइज्जती, नींबू पानी से उल्टी नहीं आएगी ऐसा लगता है आपको जब उल्टी। चलो फाइनली मैं कस्टमर ड्रॉप कर चुका हूँ, और टाइम हो रहा है रात को 9 बज रहा है। तो मैं आया हूँ अभी खाना खाने, कहाँ पे? ये ऋषिकेश इस ढाबे पे आया हूँ, फौजी ढाबा है आप देख सकते हो ये। और यहाँ पे खाना ठीक है, ड्राइवर के लिए 100 रुपये का थाली, और अच्छा है। यहाँ पे खाना वगैरह भी बहुत मस्त है, खाना भी मीडियम, मतलब कोई हाई फाई नहीं ना लो क्वालिटी, बहुत अच्छा है। और आज क्रिसमस की वजह से ट्रैफिक देख रहे हो, भर भर के आ रहे गाड़ियाँ, बहुत गाड़ियाँ आई, बहुत ज़्यादा वाला गाड़ी आई है। तो आप लोग को भी टूर प्लान कुछ कर रहे हैं आप लोग, तो प्लीज़ कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। ये वाले ढाबे में मैंने खाना खाया, कस्टमर को मैंने ड्रॉप कर दिया वरदान होटल में, और मैं अभी चलता हूँ अब सोने के लिए। तो आप लोग कमेंट करके बताना कैसा रहा, और कल मेरी वापसी है यहाँ से, करीबन निकलूँगा कितने बजे, 3-4 बजे, क्योंकि मतलब फिर वापस मेरी, आपको पता है मेरी शेड्यूल है बना हुआ ऑलरेडी, तो इस वजह से बुकिंग है। और बुकिंग ठंडा भी ज़्यादा ठंड नहीं है, नॉर्मल ठंड है ना दोस्तों, नॉर्मल ठंड है। और नॉर्मल ठंड में जानते ज़्यादा वो तो होता नहीं है। तो दोस्तों आप लोग कमेंट के बताएं, आज का जर्नी तो यहीं तक रहा। अपन जो ओली से निकल के जोशी मठ वाया होते हुए रुद्रप्रयाग, सोनप्रयाग, नंदप्रयाग होते हुए, श्रीनगर होते हुए ऋषिकेश, अपना नीलकंठ वाला रोड है वहीं पे कस्टमर का ड्रॉप वगैरह करें। खाना मैंने खाना पीना खा चुका हूँ, और खाना पीना खाने के बाद अपना उसके बाद अब चलते हैं सोने दोस्तों। तो आप लोग को इसकी अर्निंग पॉइंट कल के लास्ट वीडियो में या परसों सुबह आप लोग को देखने को मिलेगा, क्योंकि मेरा आपको पता है कि मेरा जब तक ट्रिप एंड नहीं होता था तो मैं अर्निंग का हिसाब को तब नहीं बता पाएगा ना, आदमी कितना खर्चा होता है क्या होता है सारा कुछ आप लोग कल शाम की ब्लॉग में, नहीं तो परसों सुबह के आप लोग को ब्लॉग में देखने को मिलेगा। और परसों मेरा मतलब
दो तीन तारीख तक शेड्यूल बहुत टाइट है, तो आप लोग को हर चीज के बारे में नॉलेज मिलता ही है मेरे चैनल पे। और ऐसे ही चैनल पे आप लोग प्यार बनाए रहे ताकि आपका भाई का सपोर्ट हो और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन के तौर पे मिलता रहे दोस्तों, है ना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। जय हिंद।